22 फरवरी 2024 बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे भारतवासियों को सिद्ध कर बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। प्रश्न है, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते हैं? उत्तर है, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापन हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है, पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनने की श्रीमत देते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। दूसरा, ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान है, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया निकल गया, कर लिया हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है, इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। स्लोगन है, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एक रस स्थिति बनाओ। ओम शांति। ओम।